हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपी पीसीएस विद चौहान। तो दोस्तों, मेरा नाम है कीरत चौहान। गाइज, यहाँ हम फिर से आए हैं आपके सामने उत्तर प्रदेश लेखपाल भर्ती फॉर्म की बात करने, और दूसरी हम बात करेंगे कि कितने परसेंटाइल वाले, यानी कि जो पीईटी का आपने एग्ज़ाम दिया है उसमें कितने परसेंटाइल वाले हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों, जो हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं उनको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका ये साल अच्छा बीते, हमारी तरफ से ये शुभकामनाएं हैं आप लोगों को। चलिए फिर अब हम क्या करते हैं ना, बात करते हैं कि एक्चुअल में क्या है, जो न्यूज़ है वो क्या चल रही है अभी। तो दोस्तों, आजकल हम बहुत सुन रहे हैं यूपी लेखपाल की नोटिफिकेशन के ही बारे में कि कब आ रही है, कब आ रही है। तो वैसे अभी 2 दिन पहले हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने कहा था कि जनवरी यानी कि 2 जनवरी को आपको नोटिफिकेशन मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि बोर्ड की जो है मीटिंग भी हुई थी, और मीटिंग में मतलब देखिए गाइस, 2 तारीख की तो फाइनल नहीं हो पाया कि 2 तारीख को नोटिफिकेशन जारी होगी, लेकिन हमने हाँ 1 तारीख को ज़रूर बोला था कि 2 तारीख तक पूरी प्रबल संभावना है कि आपकी नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए, इससे पहले भी हम एक वीडियो ला चुके हैं, 10 से 15 दिन पहले हम एक वीडियो लाए थे जिसमें हमने आपसे कहा था कि 20 दिसंबर के बाद या फिर जो आपका जनवरी फर्स्ट वीक है ना, उसमें आपको नोटिफिकेशन मिलने की प्रबल संभावनाएँ हैं, मतलब मिल सकती है और मिलेगी इनफैक्ट, ठीक है, हमने ये बोला था। चलिए गाइस, 2 जनवरी को तो नहीं आई, उसकी तो चलिए बात छोड़ देते हैं। अब तो 2 जनवरी निकल गई, इनफैक्ट 2 जनवरी को था संडे, तो संडे में तो वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ ये हुआ था कि संडे मतलब 2 जनवरी को आएगी लेकिन आ नहीं पाई। चलिए कोई बात नहीं। तो गाइस, एक चीज़ है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिन्होंने पिछले 3 साल से वीडियोज़ बना रहे हैं, बस ये कि नोटिफिकेशन आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है दोस्तों। तो हालाँकि हमने देखी, ये पहली दूसरी तीसरी ही वीडियो है, विद इन 20 डे हमने सिर्फ 3 वीडियो बनाई है। हमने ज़्यादा आपसे कुछ नहीं बोला है, जितना हमको पता चला है उतनी हमने बात करी है कि फर्स्ट वीक जनवरी की जो है आपको नोटिफिकेशन मिलेगी और 100% मिलेगी। गाइस, आप बस चिंता मत करिए, जो तैयारी कर रहे हैं वो करते रहिए। दोस्तों, अभी भी हम आपसे ये कह रहे हैं कि अगर 2 तारीख को जो है नोटिफिकेशन नहीं आई है तो उससे निराश होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस 7 से 8 दिन वेट करिए, जैसे आप 3 साल वेट करते हुए आ रहे हैं वैसे आप 7 से 8 दिन और वेट कर लीजिए। बहुत ज़्यादा हम नहीं कह रहे हैं आपसे, ठीक है, 7 से 8 दिन आप वेट करिए। देखिए, कारण है इसके पीछे बहुत सारे। देखिए क्या है, यूपी में इलेक्शन भी है एक चीज़ है। तो क्या होता है, सरकार ना स्टूडेंट्स को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करती है, स्टूडेंट्स को या बाकी लोगों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ करती है। तो देखिए, जो 3 साल से काम नहीं हो रहा है वो इस साल होगा, और इसका बहुत बड़ा कारण है, हो सकता है इलेक्शन, ठीक है। और जहाँ तक हमको पता चल रहा है गाइस, देखिए हम बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, बहुत सारे तो नहीं लेकिन हाँ 1-2 इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट जिससे हम लोग भी जुड़े हुए हैं, और बहुत सारे देखिए हमारे भी जिनसे हम जुड़े हैं उससे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं आपके सेलेक्ट होके जाते हैं, और कुछ कॉन्टैक्ट हमारे भी हैं। तो देखिए, हम बिल्कुल ऐसे ही अपने मन से तो बात नहीं करते हैं, कुछ हमें अगर इन्फॉर्मेशन मिलती है तब हम बात करते हैं कि ऐसा कुछ चल रहा है बोर्ड में, ठीक है। तो देखिए, आया है कि 2 जनवरी को हमें पता था, लेकिन अभी भी नहीं है, तो 7 से 8 दिन आप और वेट करिए। बिल्कुल नोटिफिकेशन आने की 100% संभावना है, मतलब इस बार जो है आप 2022 में एग्ज़ाम देंगे ही देंगे। चलिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि पिछले 3 साल से लगे हुए हैं कि बोले जा रहे हैं कि वो नोटिफिकेशन आएगी नहीं आ रही है, चलिए उस पर आप ध्यान मत दीजिए। अभी हम दूसरी बात करते हैं कि जो पीईटी एग्ज़ाम होता है उसमें कितने परसेंटाइल वाले हैं जो आपका ये लेखपाल का जो फॉर्म है उसको भरने के लिए एलिजिबल होंगे। तो चलिए इसकी बात कर लेते हैं गाइस। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ओबीसी कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं, तो आप मान के चलिए कि अगर आपकी 70% आ रही है या उससे ज़्यादा आ रही है तो आप जो है एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, ठीक है गाइस। अगर इससे कम आ रही है तो थोड़ी संभावनाएं कम है, लेकिन हाँ थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत कम में तो देखिए संभावनाएं नहीं है। 70% तो आप मान के चलिए कि हमें जो अनुमान हम लगा पा रहे हैं वो 70% तक का लगा पा रहे हैं। अगर इतनी आ रही है तो आप खुश हो जाइए, आप आगे अपनी तैयारी करते रहिए, और इससे ज़्यादा वाले तो बिल्कुल करते ही रहिए। तो गाइस, हमको फिलहाल इस वीडियो में इतना ही बताना था कि आप 7 से 8 दिन वेट करिए, ठीक है, इससे ज़्यादा हम नहीं कह रहे हैं कि आप वेट करिए। जहाँ आपने 3 साल वेट किया है वहाँ इतने दिन और वेट करके देख लीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलने की
संभावनाएं यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, आपको मिलेगी नोटिफिकेशन और आप खुश होके हमें कमेंट में ज़रूर कहेंगे कि हाँ मैम आपने जो भी वीडियो बनाया है सही बनाया है। चलिए गाइस यहाँ पे क्या करते हैं ना, वीडियो को करते हैं एंड, बाकी हम बात करेंगे जब ये नोटिफिकेशन आ जाएगी, हम एक वीडियो फिर से लाएंगे आपके लिए, ठीक है, तब हम बात करेंगे। और आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड, फिर आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। और गाइस आपके समर्थन का, प्यार का, आशीर्वाद का धन्यवाद।